ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए गौ तस्करों के पास से अवैध तमंचा, गौ तस्करी की वारदात को अंजाम देने वाले हथियार और गौवंश पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने घायल गौ तस्कर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही उसके साथियों की जानकारी की जा रही है ताकि उसे भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। ग्रेटर नोएडा धनकर कोतावली के चौकी फार्मूला बंद प्रभारी को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर अट्टा फतेहपुर गांव के जंगलों में गौ तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर पुलिस कर्मियों ने समय लगाते हुए फौरन ही मुखबिर के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ तस्कर गौ तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जैसे ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, वैसे ही गौ तस्करों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो जाता है। अपने साथी को घायल देखकर गौ तस्कर के 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस दौड़कर घायल गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लेती है। पकड़े गए गौ तस्कर की पहचान ताजू के रूप में हुई है, जो अट्टा फतेहपुर गांव का ही रहने वाला है। पुलिस के अधिकारियों ने घायल गौ तस्कर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए गौ तस्कर के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और गौ तस्करी की वारदात को अंजाम देने वाले धारदार हथियार और गौवंश भी बरामद किया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि फरार गौ तस्करों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। साथ ही पकड़े गए गौ तस्कर का पुराना आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है। आज चौकी प्रभारी फार्मूला 1 दनकौर को विकास कुमार को एक सूचना प्राप्त हुई कि अट्टा फतेहपुर के जंगल में गोकशों के द्वारा गोकशी की जा रही है। सूचना पे वो अपनी टीम को लेकर के यहाँ पे आए तो जो गोकश थे उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई। काउंटर एक्सचेंज में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम ताजू है, जो यहीं अट्टा फतेहपुर का रहने वाला है। उसके 3 साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए हैं, जिनके लिए पुलिस टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। इनके पास से तमंचा, कारतूस, जो काटने के हथियार हैं, तराजू है, इत्यादि बरामद हुआ है। साथ ही मौके पर पड़ा गोवंश भी बरामद हुआ है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का हम पता कर रहे हैं। इनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।